पालिका अध्यक्ष जी का स्वागत श्री भरत राठी जी करेंगे। इसके उपरांत श्री दर्शन सिंह गहलोत जी का स्वागत जो जिला पंचायत उपाध्यक्ष है उनका स्वागत भी श्री भरत राठी जी करेंगे। श्री ललित पटेल जी का स्वागत हमारे डीडीए श्री एमपीएस चंद्रावत सर करेंगे। श्री अखिलेश पटेल जी जो एडीए एग्रीकल्चर हैं, उनसे निवेदन है कि वे राजेश गोदारा जी का स्वागत पुष्पमाला से करें। अंत में इसके उपरांत इंडियन पोटाश लिमिटेड के रीजनल मैनेजर श्री नितेश कुमार शर्मा जी का स्वागत श्री एग्रो सर्विस सेंटर के हमारे प्रोप्राइटर श्री जयप्रकाश नारायण जी राठी द्वारा किया जा रहा है। अंत में श्री जयप्रकाश नारायण जी राठी जी का स्वागत महेंद्र गांव के किसान बंधुओं और कृषक बंधुओं की तरफ से श्री बालकृष्ण जी कर रहे हैं। किसान बंधुओं, गर्मी तो बाहर भी बढ़ रही है, अंदर भी उमस हो रही है, तो आप सभी का ज्यादा समय न लेते हुए मैं हमारे इंडियन पोटाश लिमिटेड के क्षेत्रीय प्रबंधक मध्य प्रदेश के राज्य प्रबंधक श्री नितेश कुमार शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम को जो हमने आज यहां पर ऑर्गेनाइज किया है उस कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी और हमने ये क्यों किया है और आगामी फर्टिलाइजर का क्या सिनेरियो या भविष्य क्या रहने वाला उस पर प्रकाश डालने के लिए मैं श्री नितेश कुमार शर्मा जी का स्वागत करता हूं मंच पर। यहां मंचासीन मध्य प्रदेश के यशस्वी कृषि मंत्री कमल पटेल साहब और उनके साथ उपस्थित सारे गणमान्य नेतागण का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि विदित है ये जो प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी द्वारा लाइव टेलीकास्ट किया गया और उनका एक विजन है जिसको सफल बनाने के लिए फर्टिलाइजर कंपनी को निर्देशित किया गया कि वो ऐसे सेंटर स्थापित करें और किसान की जो मुख्य समस्या थी एक ऐसा दुकान डेवलप हो जहां से सारी चीज़ें उसको मिल सकें, ऐसा उनके मार्गदर्शन में कंपनियों ने कार्यरत किया जिसके तहत हरदा में एग्रो सर्विस सेंटर को हमने पीएम केस का रूपरेखा दी है और धीरे धीरे इसको जो माननीय मोदी जी का सपना है कि एक सेंटर एक दुकान के सारी सुविधाएं उपलब्ध हो उसके तहत कंपनी कार्यरत है। और खुशी की बात यह है कि ये प्रोग्राम मध्य प्रदेश का जो हमारा आज का प्रोग्राम था ये ऑल इंडिया लाइव टेलीकास्ट हुआ है
और जिस तरीके से मैसेज आया कि बहुत सराहा गया है कि हमारे किसानों की उत्सुकता को देखते और यशस्वी हमारे जो कृषि मंत्री साहब हैं इन्होंने जो इंटरेस्ट दिखाया और इस प्रोग्राम में आए, इसको बड़ा सराहा गया है कि भाई नई सरकार की सारी नीतियां ग्राउंड लेवल तक जा रही है। और इसमें जो आज विशेष एक उपलब्धि भारत सरकार ने करी है, इसमें नीम सल्फर युक्त यूरिया, अभी तक हमने नीम कोटेड यूरिया सुना है, सल्फर युक्त यूरिया जो माने कहा जाए जब से भारत आज़ाद हुआ है 1949 के बाद कभी फर्टिलाइजर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन ये जो शासन है इन्होंने बैक चेंज किए, काफ़ी उन्नति करी ताकि किसान को उन्नत बीज, उन्नत दवाएं, उन्नत खाद समय पे पहुंचाई जा सके और किस तरीके से खेती को डेवलप कर सके, उन्हीं के मार्गदर्शन में कंपनी ने आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है और मेरे से ज़्यादा आप माननीय कृषि मंत्री जी को सुनेंगे क्या, और सबसे ज़्यादा मैं जो धन्यवाद दूंगा हरदा जिले के जो किसान दूर दूर गांव से जो पधारे हैं, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, सत्कार करता हूं। इसी उपलक्ष में हमारे जो कर्मचारी हैं फूलों द्वारा आपका स्वागत कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि मुख्य तौर पे हमारे जो कृषि मंत्री हैं वो मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालें और आपको एक नया मार्गदर्शन दें ताकि हरदा जिला एक विकास की ओर पे और ज्यादा अग्रसर बढ़े। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके उपरांत ज्यादा समय न लेते हुए मैं माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे आप सभी किसान बंधुओं का आभार और स्वागत सत्कार करने के लिए मंच पर आए। किसान बंधुओं, माननीय मंत्री जी एक किसान होने के साथ साथ हरदा की जनता के सिरमौर भी हैं और जहां देखेंगे वहां पर इनका एक वर्चस्व छाया हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आए और अपने आभार स्वरूप वो शब्द हमसे साझा करें। माननीय मंत्री जी, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसके वास्ते तन मन धन और प्राण है। प्राणों से प्यारी, परम पूजनीय, प्रतिस्मरणीय भारत माता के चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सब किसान भाइयों से और मंच पर बैठे हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित सभी जनप्रतिनिधि से निवेदन करता हूं कि दोनों भुजाएं मुट्ठी बांधकर भारत माता का जयकारा इतनी जोर से लगाएं कि भोपाल और दिल्ली तक सुनाई दे। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे 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 नर्मदे हर नर्मदे हर, भारत माता की। मैं कहूंगा जय जवान जय किसान, आप कहेंगे वंदे मातरम जय बलराम। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, धरती पुत्र किसान की और आज के आनंद की और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। आज का दिन किसानों के लिए, देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज राजस्थान की वीर भूमि
से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1,25,000 प्रधानमंत्री समृद्धि किसान समृद्धि केंद्र का लोकार्पण और शुभारंभ किया है, जहां से किसानों को खाद बीज और कृषि संबंधित सारी चीजें एक ही स्थान पर मिल जाएगी। और एक राष्ट्र एक उर्वरक, अब जितने भी ये डीएपी हो, यूरिया हो, एनपीके हो, जो भी हो, जितने भी खाद है, एक ब्रांड के नाम से जाने जाएंगे, उसका नाम होगा भारत ब्रांड। भारत एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र, अब कोई अलग अलग नहीं, सिर्फ एक भारत, 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 भारत माता, भारत माता, भारत माता। और ये देश किसानों का देश है, और इसलिए ए भाई शांति, ये देश किसानों का देश है, किसान इस देश की रीढ़ है और किसान इस देश की आत्मा है। रीढ़ मजबूत हो तो आदमी खड़ा हो सकता है, चल सकता, प्रतिस्पर्धा में आगे निकल सकता है। और इसलिए भारत का किसान मजबूत तो देश मजबूत, और देश मजबूत नेतृत्व मजबूत, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत 21वीं सदी भारत की सदी होगी, और भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचकर पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगी। और इसलिए ऐसे आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं अभिनंदन करता हूं, और आप सब से निवेदन करता हूं कि जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। अरे यार हरदा की तालियां इतनी कमजोर, और आज मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के लक्की जिला अध्यक्ष भाई अमर सिंह मीणा जी, हमारे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष भाई दर्शन सिंह जी, हमारी नगर पालिका की अध्यक्ष हमारी बिटिया, और भारतीय कमेडिया जी, और हमारे शर्मा जी, राठी जी, ललित पटेल जी, हमारे किसान मोर्चे के अध्यक्ष राजू गोदारा जी सहित सभी हमारे पदाधिकारी जनप्रतिनिधि, और किसान संघ के हमारे सभी सम्माननीय पदाधिकारी कार्यकर्ता और किसान भाइयों, हमारे कृषि विभाग के डीडीए सहित सभी पूरा परिवार, हमारा राठी परिवार, और भारत ब्रांड आईपीएल के हमारे अधिकारी जिन्होंने बहुत सुंदर कार्यक्रम हवेली गार्डन में आयोजित किया, और आज हरदा पूरे देश में दिखा, आपने देखा होगा, पर हमारा राठी सो रहा था, एक राठी कार्यक्रम करा रहा, एक सो रहा, वो भी दिखा पूरे देश को। क्या है देखो, पॉजिटिव लोग कम देखते, लेकिन नेगेटिव एक दर्द के में दिख जाता है, रात भर जगा था क्या? तो चलो, तो बात इसलिए कह रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूं, हम कोई भी कार्यक्रम में जाएं, चाहे पारिवारिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सार्वजनिक हो, तो मन बुद्धि आत्मा शरीर एक जगह होना चाहिए, उत्साह उमंग उल्लास के साथ कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए, और पूरी तन्मयता से सुनना चाहिए, तब तो हमारे आने का मतलब है, और जो हम कुछ सीख सकते हैं उसको हम दूसरों को भी प्रसिद्ध कर सकते हैं, तो हम अपने लिए, अपने परिवार के साथ, समाज और राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान दे सकते हैं, अपने जीवन को सफल और सार्थक कर सकते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को और किसानों को 1,25,000 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र समर्पित किए, जिससे किसानों को सुविधा होगी, एक तो अच्छी गुणवत्ता का, उच्च गुणवत्ता का खाद दवाई और कृषि उपकरण मिलेंगे, एक स्थान पर मिलेंगे, अच्छे रेट में मिलेंगे, और अच्छी चीज मिलेगी, जिससे किसान की लागत कम होगी। दूसरा,
जो ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, ये आजाद भारत में और दुनिया में इतनी बड़ी कोई योजना नहीं है। 2,60,000 करोड़ से ऊपर किसानों के खातों में सीधा गया, जिसमें एक पैसे का भी कहीं करप्शन नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, एक राजीव गांधी थे प्रधानमंत्री, वो कहते थे मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, गांव में आते आते 15 पैसे रह जाते हैं, 85 पैसे दलाल खजाते हैं। अब जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो पंच से लेकर प्रधानमंत्री किसके थे बोलो ना, तो दलाल किसके हुए। और इसलिए 56 साल जिस पार्टी ने राज किया, देश को कंगाली, भ्रष्टाचार, भुखमरी, जातिवाद और गरीबी और किसान को कर्ज में डुबाया। मुट्ठी भर लोग अरबपति खरबपति हो गए, लेकिन जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी 2014 में, उसके बाद इन 9 साल के अंदर देश बदल रहा और आगे बढ़ रहा है। और आज दुनिया की 5 जो आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ है उनमें पहुंच गया है, जो हम पहले 100 के बाद थे। ये क्यों हुआ? क्योंकि ईमानदार शासन। मोदी जी क्या कहते हैं, एक प्रधानमंत्री कांग्रेस का था राजीव गांधी जी, वो कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं, 85 दलाल बीच में खजाते। मोदी जी कहते ना खाऊंगा उन्हें खाने दूंगा, वो खाली भाषण नहीं दिया, जो कहा वो करके दिखाया। 100 टन खरा सो कहा वो किया, उसके लिए तकनीक का उपयोग किया, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, सबके खाते खुलवा दिए, जनधन खाते, गरीब से गरीब का भी खाता। और नहीं तो पहले पैदा होते थे और पूरे जीवन भर मेहनत करते थे, चले जाते थे ऊपर, स्वर्गवासी होने के बाद खाता ही नहीं रहता था बैंक। और जब बैंक के अधिकारियों ने मना कर दिया खाता खोलने के लिए गरीबों का, एक बैठक के अंदर कि साहब हमारे पास इतना काम है, इतने खाते हम नहीं खोल सकते, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा सबकी छुट्टी जाओ, हम दूसरी भर्ती कर लेंगे और खुलवाएंगे, लेकिन खाते तो खोलेंगे। तो 2 मिनट के अंदर सब सही हो गए, नहीं सर कर लेंगे, खोल देंगे। यह है शासन और प्रशासन, कैसा प्रशासन चलता है। सवार अच्छा होता घोड़ा, अपन किसान आदमी है ना, ठोकर लगते से घोड़ा चाल चलने लगता है, और नहीं तो दूसरे को बिठा दो जिसको घोड़ा चाल चलाते नहीं आता तो उठा के फेंक देता है। तो मोदी जी ऐसे घोड़सवार हैं जो कैसा भी घोड़ा उसको ठीक करना जानते और चाल चलाना जानते हैं, और उसके कारण करोड़ों खाते खुले और फिर सीधा दिल्ली से खाते में पैसा आया। अपन तो किसान आदमी, एक सीधी भाषा में समझाता हूं कि अपन खेत में पानी ट्यूबवेल करते हैं, या कुआ है या नदी है, वहां मोटर लगाई 10 की और पाइपलाइन लाए खेत तक, और जगह जगह अगर चूहे छेद कर दें तो बताओ आखिरी में खेत में पानी आएगा क्या? पानी कब आएगा? जब पूरी पाइपलाइन से एक बूंद पानी भी कहीं ना निकले तो पूरा पानी मिलेगा। ये जो 56 साल जिनने काम किया कांग्रेस की सरकार, चूहों ने खोद छेद कर करके पूरा खा गए, निकल गए और नीचे तक पहुंचे नहीं, इसलिए 85% ये चूहे खा गए। मोदी जी ने क्या किया, अच्छा बेल्डिंग कर दी उसके ऊपर, ताकि कोई एक छेद भी सुई बराबर भी नहीं कर सके, और इसलिए सीधे खातों में पैसा जा रहा है, और इसलिए जो काम 60 साल में नहीं हुआ वो 8-9 साल के अंदर हुआ है। यह है सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन। दूसरा, किसान की खेती घाटे की बजाय लाभ का धंधा बने, इसके लिए उन्होंने, ये छोटे किसान जो को बताऊं मैं आपको, मैं कृषि मंत्री हूं, मध्य प्रदेश में 1,03,000 किसान है जिनके नाम पे जमीन है, उसमें से 48 लाख किसान 2.5 एकड़ से नीचे यानी 1 हेक्टर से कम, कितने 48 लाख। ये बेचारे पैदा भी कर्ज में होते हैं, जीवन भर खेती करते हैं घाटे की और कर्ज में मरते हैं, औलाद को कर्ज में छोड़ते जाते हैं। फिर 28 लाख किसान 2.5 एकड़ से 5 एकड़ के बीच के, ये भी कर्ज में पैदा होते हैं, कर्ज में जाते हैं, घाटे की खेती करते हैं, क्योंकि इनको बैंक केसीसी नहीं बनाता, वो बनाता तो डिफॉल्टर हो जाते हैं। और फिर वो छोटे किसान को बताओ कोई 1 रुपया सैकड़ा 2 रुपये सैकड़े में देगा क्या महाजनी ब्याज से ऋण, क्योंकि लेगा क्या उससे। और इसलिए 5 रुपये 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये महीना साहूकारों के चंगल में फंस के मजबूरी में या
जो रेट में ले उसमें लेके वो खाद दवाई बीज की व्यवस्था करते हैं। दो बोरी डीएपी, चार बोरी यूरिया, 50 किलो, 1 क्विंटल बीज, और इसलिए फसल आते से ही उनके वो मंडराने लगते हैं। ब्याज मूलधन से ज्यादा हो जाता है, इसलिए वो न तो एमएसपी पे बेच सकते थे। ये 76 लाख किसान है 1 करोड़ में से, और इसलिए ये 12 आना किसान हमेशा घाटे की खेती करते थे, कर्ज में रहते थे और आत्महत्या करते थे, साहूकारों को ही देके जीवन का। और इसलिए पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने इनकी समस्या समझी, बीमारी समझी, और इनके लिए ये 2-2 हजार करके 6 हजार, और मुख्यमंत्री शिवराज जी ने 2-2 हजार करके 6 हजार, ये 12 हजार रुपया ये छोटे किसानों के लिए वरदान है। और इसलिए मोदी जी को, शिवराज जी को भगवान मानते हैं। बड़े किसान या कुछ लोग कहते हैं 2-2 हजार रुपट्टी में क्या होता है, इन छोटे किसानों से पूछो। मान लो मैं एक आदिवासी हूं, मेरे 4 बेटे, मेरे पास 5 एकड़ का पट्टा है या 5 एकड़ जमीन है, शादी होती हुई चारों बेटों की वो अलग अलग हो गए, तो एक एक एकड़ आई चारों के पास, एक एकड़ मेरे पास, और पांचों को 12-12 हजार रुपए मिल रहे हैं, तो एक एकड़ में खरीफ में 1 बोरी डीएपी, 2 बोरी यूरिया, फिर रबी में 1 बोरी डीएपी, 2 बोरी यूरिया 3 हजार में आ जाता है, बीज हमारे पास रहते ही है और आ जाता, और दवाई आ जाती है। तो ये छोटे किसानों की लागत जीरो हो गई, जो साहूकारों के चंगल 5-10-15 रुपए 20 रुपए सैकड़े में लेते थे, उससे मुक्त हो गए। न बैंक में जाना, न कहीं जाना, और खाद बीज दवाई की व्यवस्था होने से फसल एमएसपी पे बेच रहे हैं। उसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ, 2019 में कांग्रेस की सरकार थी, तब 63 लाख मेट्रिक टन गेहूं खरीदा सरकार ने, और 20 में शिवराज जी मुख्यमंत्री बने और किसान सम्मान निधि शुरू हो गई, तो 1 करोड़ 29 लाख मेट्रिक टन गेहूं खरीदा। ये छोटे किसानों ने पहली बार एमएसपी पे गेहूं बेचा, और इसलिए ये छोटे किसानों की आज जो प्रधानमंत्री का संकल्प था दोगुना करने का, वो इस किसान सम्मान निधि से हो गए, कर्ज मुक्त हो गए, और इनका बहुमत है, ये है 76%। अब सरकार विचार कर रही है, मध्य प्रदेश में मैंने प्रस्ताव दिया मुख्यमंत्री जी से, मेरी कल भी चर्चा हुई है कि हम फसल बीमा करते हैं। कांग्रेस के शासन में कभी बीमा भी नहीं होता था, आरबीसी में भी कुछ नहीं मिलता था, 4 रुपए 40 रुपए 80 रुपए ज्यादा। जब शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, मैं राजस्व मंत्री बना, तब हमने आरबीसी में परिवर्तन किया, तो जहां मध्य प्रदेश में 5 करोड़ भी कभी नहीं मिले, उसके बाद 5000 करोड़ साल हमने दिया है। इल्ली को प्राकृतिक आपदा, बालागांव वाले है क्या भाई कोई? बालागांव से हमने शुरू कराया था 2004 में, जब सोयाबीन में इल्ली आई, पूरे देश में नहीं दुनिया में कीट को प्राकृतिक आपदा आपके प्रतिनिधि कमल पटेल ने बालागांव से करवाया था, और उसके बाद विधानसभा से भी दिल्ली में, और उसके कारण किसानों को 5-5 हजार करोड़ मिल रहे हैं। और मध्य प्रदेश में फसल बीमा भी अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तब शुरू हुआ पूरे देश में, लेकिन तहसील इकाई थी उसको पटवारी हल्का भी देश में सबसे पहले, जब मैं राजस्व मंत्री था, शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, हमने किया, और उसके कारण मध्य प्रदेश में अभी तक हमने किसानों से लिया प्रीमियम 4,662 करोड़ के आसपास, और बीमा दिया हमने 27,664 करोड़ से अधिक, लिया 4,000 साढ़े 4,000 और दिया 27,000 करोड़, यानी 22,000 करोड़ ज्यादा दिया। लेकिन ये जो 76% छोटे किसान है, 48 लाख में से मात्र 8,90,000 किसान का बीमा होता है, क्योंकि ये बड़े किसानों के घरों में जो छोटे खाते होते हैं उनका केसीसी होता है रेगुलर, इसलिए उनको बीमा मिलता है। ये छोटे किसान 39 लाख किसान वंचित रह जाते हैं, 28 लाख किसान में से 13 लाख का बीमा होता, केसीसी होते 15 लाख वंचित रह जाते हैं। तो इस प्रकार करीब 54 लाख किसान 1 करोड़ में से जो जिनका बीमा ही नहीं होता है। मैंने प्रस्ताव दिया है सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, कि ये छोटे किसानों का प्रीमियम भी सरकार भर दे ताकि इनका बीमा हो जाए, तो इनको फसल बीमा की किस्त भी नहीं भरना पड़े और इनको फसल खराब होने पर नुकसान हो तो इनको मिल जाए। और ये है 76 लाख, जितना प्रीमियम हम बड़े किसानों के लिए भरते हैं, 25 लाख किसानों का बीमा होता है कुल प्रदेश में 1 करोड़ में से, जो रेगुलर किसान होते हैं, जो डिफॉल्टर होते हैं या जो ऋणी होते हैं वो बीमा कराते नहीं, जेब से खर्च करके कोई नहीं कराता, वो तो ये कट जाता है केसीसी के कारण 2%, 1.5%, लेकिन किसान से तो लेते हैं 2-1.5%, लेकिन बाकी सरकार भरती है। और इसलिए छोटे किसानों का बीमा का प्रस्ताव मैंने कल ही मुख्यमंत्री से चर्चा की, मेरा विभाग प्रस्ताव दे रहा है, अगर ये हो गया तो ये 76 लाख किसान लाभ की खेती करेंगे,
चार गुना इनकी आमदनी हो जाएगी। प्राकृतिक आपदा ना आए लेकिन आए तो इनकी क्षति हो तो उनकी पूर्ति 100% बीमा कंपनी कर दे, उस दिन हमारा मंत्री बनना सार्थक हो जाएगा। और ये जो आज सल्फर कोटेड यूरिया जिसका नाम रखा है यूरिया गोल्ड, ये जब डलेगा तो कम समय नहीं ज्यादा समय में घुलेगा, इससे हमारे जो फसल है उसकी जड़ें मजबूत होगी, फसल अच्छी होगी, उत्पादन भी बढ़ेगा और मिट्टी की भी क्षमता उर्वरक क्षमता बढ़ेगी, हमारा उत्पादन बढ़ेगा, किसान की आय होगी। और इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को, केंद्रीय कृषि मंत्री जी को, केंद्रीय उर्वरक मंत्री जी को बधाई देता हूँ और आप सब किसान भाइयों को शुभकामनाएं देता हूँ। गर्मी बहुत है, समय भी बहुत हो गया है, लेकिन मैं हरदा जिले को किसानों को ये विश्वास दिला रहा हूँ कि इसराइल के सहयोग से हरदा जिले में हमने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कृषि का उत्कृष्ट केंद्र, खिड़किया तहसील के ग्राम पंचायत बारंगा के बोंडगांव झांझरी के बीच में 105 एकड़ जमीन सरकारी हमने उपलब्ध कराई है उद्यानिकी विभाग को, और उससे वो सेंटर बनेगा जिसमें उद्यानिकी और फलों के पौधे वहां तैयार किए जाएंगे, नर्सरी तैयार की जाएगी और किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा और वहां से वो किसान अपने खेतों में लगाएंगे तो उनकी आमदनी 2 गुना 3 गुना और 4 गुना 5 गुना होगी। एक दूसरा, अभी मैं प्रयास कर रहा हूं कि एक फलोद्यान और उद्यानिकी का एक एक्सीलेंस कॉलेज यहां खुले, जिसके लिए प्रस्ताव दे दिया है, जिसमें हमारे बच्चों को फलोद्यान और उद्यानिकी की खेती और मेडिसिन की खेती कैसे की जाए उसकी ट्रेनिंग भी देंगे और हमारे किसानों को भी उसमें ट्रेनिंग देंगे। तीसरा, हमारे यहाँ हार्वेस्टर पंजाब से आते हैं, ड्राइवर और मैकेनिक भी पंजाब से आते हैं, खराब हो जाते हैं, इसलिए हरदा जिले में एक कृषि अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से यहाँ एक केंद्र हम खोल रहे हैं जो हमारे ही जिले के बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षित करेंगे ड्राइविंग का, मैकेनिक का और बाकी ड्रोन चलाने के लिए भी और बाकी जो नए नए उपकरण आए हैं उसके लिए भी ट्रेनिंग और प्रशिक्षण देंगे, ताकि हमारे जिले के बच्चे पढ़ लिख कर प्रशिक्षित होकर ट्रेनिंग लेकर वो खुद काम कर सकें और रोजगार भी मिलेगा और हमको पंजाब से लोगों को नहीं बुलाना पड़ेगा। इसके अलावा और भी कृषि की आधुनिक खेती कैसी हो, जो जो भी दुनिया में तकनीक है वो हरदा लाने का हम प्रयास कर रहे हैं, ताकि हरदा जिला मध्य प्रदेश ही नहीं देश का नंबर एक जिला बने। और जो आज इजराइल की बात होती है भविष्य में हरदा की बात हो, क्योंकि मेरा सपना है कि हर क्षेत्र में हरदा नंबर वन बने। आज हम गेहूं उत्पादन में प्रति हेक्टर देश में नंबर वन है, हम चना उत्पादन में हम नंबर वन है, हम मूंग उत्पादन में नंबर वन है। आप जानते हैं मूंग बताओ गर्मी में पानी छोड़ सकता था क्या कोई कोरोना के समय, लेकिन हमने मुख्यमंत्री जी से छुड़वाया, फिर समर्थन मूल्य पे खरीदी। किसी भी अधिकारी से पूछ लो आप, समर्थन मूल्य होता है रबी और खरीफ का, ग्रीष्मकालीन का कोई समर्थन मूल्य नहीं होती, कोई खरीदी नहीं होती। लेकिन चूंकि मैं पहले किसान हूँ बाद में मंत्री हूँ, इसलिए खूब संघर्ष करके लड़के भिड़के अधिकारियों से जो जो करना था सब किया और मुख्यमंत्री जी को कन्विंस कराकर और मूंग की खरीदी करवाई, और जिसके कारण हमारे हरदा और नर्मदापुरम जिले के किसान जितना मध्य प्रदेश में होता उतना इसी जिले में हो जाता है। और आज हमारे किसानों की आय ईमानदारी से बताना रे भैया, मूंग के कारण किसानों के चेहरे कमल की तरह खिले कि नहीं खिले, जिनके खिल गए हाथ ऊपर करो, जिनके नहीं खिले जो हाथ नहीं ऊपर, तुम्हारा नहीं खिला क्या राम भरोस, तो फिर पंजे मत दिखाओ, मुट्ठी बांधो बजरंग बली की उंगली दिखाओ। आज हजारों करोड़ का फायदा किसानों को कराया। और दूसरा और बता दूं मैं आपको, किसान संघ के लोग बैठे हैं कार्यकर्ता हमारे, गेहूं की फसल पहले आती कि चने की, पहले गेहूं खरीदा जाता था समर्थन मूल्य पे कि चना, गेहूं आता अप्रैल में और 1 अप्रैल से खरीदी हो जाती है और चना आता फरवरी में, खरीदी होती थी मई जून में, तब तक ये 76% किसान छोटा तो वैसे ही बेच देता था और बड़ा भी बेच देता, फायदा नहीं मिलता। सरसों मसूर ये आ जाती फरवरी में, खरीदते थे मई में, एक दिन में 25 क्विंटल से ज्यादा नहीं खरीदी होती थी, एक किसान से 25 क्विंटल से ज्यादा नहीं खरीदते थे। आज भी पूरे हिंदुस्तान में
25 क्विंटल खरीदा जाता है। सिर्फ मध्य प्रदेश है जहां शिवराज जी मुख्यमंत्री, कमल पटेल कृषि मंत्री, हमने भारत सरकार से अनलिमिटेड करा दिया, 1,000 क्विंटल भी है आपका मूंग तो वही खरीद रहे हैं, और वो 25 क्विंटल की सीमा भी हटवाई। हर साल फिर आ जाता है, मैं दिल्ली जाके लड़के आके करा के आया, फिर आ जाता वापस वही 25 क्विंटल का, इस बार भी आ गया था, फिर 40 कराए, एक ट्राली में 40 क्विंटल आ जाता है। अब आप गांव से आ रहे हो 50 किलोमीटर से, अब एक किसान है उसका 40 क्विंटल हुआ, तो 25 क्विंटल की सीमा थी तो दो बार आना पड़ेगा, तो डीजल, टायर, ड्राइवर, समय कितना लगता था, तो किसान की घाटे की खेती होनी थी। हमने उसको 40 कर दिया और फिर अनलिमिटेड कर दिया, और उसके कारण हजारों करोड़ किसानों का प्रदेश में बचा। और इसलिए जो एमएसपी से नीचे रेट था, जब जो मई में खरीदते थे फसल आते थे, किसान मंडी में जाता रेट कम हो जाता, दो महीने रेट कम रहते, और जैसे ही किसान के हाथ से फसल गई रेट बढ़ जाते, किसान हाथ मलता रहता, काश में दो महीने रोक लेता, किसान की क्षमता नहीं थी रोकने की। और इसलिए हमने पहले खरीदना शुरू किया तो जो 1,500 रुपए रेट कम था वो 1,500 रुपए रेट बढ़ गया। 10,000 करोड़ रुपए मंत्री बनते से मध्य प्रदेश के किसानों को दिलाने में हमने सफलता प्राप्त। तो जो काम आजादी के बाद से नहीं हुआ वो एक किसान का बेटा जब कृषि मंत्री बनता है और एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनता तो हमने किया। तो ऐसे अनेक क्रांतिकारी कदम हमने उठाए हैं जो देश में आज भी राजस्थान के अंदर 25 क्विंटल खरीदते हैं, महाराष्ट्र में 25 खरीदते हैं, और वही मई जून में अकेला मध्य प्रदेश है। और इसलिए मैं तो निमित्त हूँ, असली श्रेय के भागीदार आप सब हैं जिन्होंने कमल के फूल के बटन दबाई, जिससे मैं विधायक बना तो मंत्री बना, शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, और उसके कारण ये समर्थन मूल्य पे खरीदी भी हो रही है, आरबीसी में परिवर्तन भी हुआ है और कई हुए हैं। नहीं तो हम कितने ही आंदोलन करें सरकारों के सर पे जो नहीं रेंगती। हमने भी बहुत आंदोलन किए थे, 10 साल विधानसभा में खूब लड़ते थे कि किसानों की एक बाबा आदम के जमाने की आरबीसी बदलो, लेकिन नहीं बदली। जब राजस्व मंत्री बने तो हमने बदली। और इसलिए सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन करके हमने दिखाया है। अभी मूंग का स्लाइडिंग बुक बंद हो गई, स्लाइड बुक होना बंद हो गया था, जैसे ही मुझे मेरे डीडीए ने कहा कि सर 30 तारीख लास्ट डेट है, 30-31, और 10 दिन पहले नियम में स्लाइड बुक हो गया, अभी तो आधे किसान रह गए हैं। मैंने तत्काल मेरे अतिरिक्त मुख्य सचिव को निर्देशित किया, मोबाइल पे मैंने कहा स्लाइड बुकिंग चालू करो, एक एक दाना खरीदेंगे किसान का, किसी का नहीं रहने देंगे। और हो गया, खुल गया, खुल गया, नहीं हम चालू करा देंगे, स्लैट बुकिंग चालू कराएंगे और किसानों का मूंग खरीदेंगे ताकि किसान को उसको उचित मूल्य मिले। आपको मालूम होगा मैंने पहले घोषणा कर दी थी शुरू में, जब मूंग का समर्थन मूल्य था ही नहीं, कि हम समर्थन मूल्य पे मूंग खरीदेंगे, तो दूसरे दिन 500 रुपए रेट बढ़ गए। लेकिन हमारे कुछ मित्रों ने मेरे खिलाफ इतना लिखा, मंत्री ने झूठ बोला कि समर्थन मूल्य पे खरीदी का कहा, खरीदा नहीं, खरीदा नहीं। अरे मैंने कहा भैया नियम ही नहीं था, लेकिन मैंने स्टेटमेंट इसलिए दिया ताकि बाजार में रेट बढ़ जाए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे नव दुनिया पेपर पढ़ लेना, पूरे देश में जब रेट गिरे तो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने समर्थन मूल्य पे खरीदने की घोषणा की तो दूसरे दिन 500 रुपये रेट बढ़ गए। फिर मैं लगातार अगले बार सीएम के पीछे पड़ा रहा शिवराज जी, मैंने कहा भाई साहब आप समर्थन मूल्य की घोषणा करोगे, अगर कल 500 रुपये रेट नहीं बढ़ जाए तो आप जो कहोगे मैं करूँगा। और मुख्यमंत्री जी कन्विंस हुए और उन्होंने जैसे ही घोषणा की दूसरे दिन 500 रुपये रेट बढ़े, तीसरे दिन 700-800-1,000 रुपये रेट बढ़ा। और इस बार मैंने कहा था कि 1 जून से खरीदेंगे तो 8,000 रुपया रेट हो गया था शुरू में समर्थन मूल्य। मांग और पूर्ति पर रेट है, मांग ज्यादा है पूर्ति कम है तो रेट बढ़ेंगे, पूर्ति ज्यादा है मांग कम है तो रेट घटेंगे। अब जब फसल आती तो किसान एक साथ जैसे वो अंत्येष्टि में जाते हैं और पंच लकड़ी देते हैं, एक साथ टूट पड़ते हैं, ऐसे ही फसल आते से एक साथ टूट पड़ते हैं मंडी में ले जाने। अब मंडी में किसान व्यापारी 100-1,000 क्षमता क्विंटल खरीदने की और 5,000 ले जाओगे तो क्यों बोली लगाएगा। और इसलिए किसान भाइयों, ये किसान सम्मान निधि और किसान कल्याण निधि, ये छोटे किसानों को फसल रोक कर एमएसपी पे बेचना, अच्छे रेट पे बेचने के लिए, उनको लाभ दिलाने के लिए है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी भी गांव गरीब और किसानों के हित से, प्रधानमंत्री जी ने 6,000 दिए तो मध्य प्रदेश भी 6,000 दे रही, तो ये 12,000 छोटे किसानों के लिए जीवन है, जीवन 12 लाख के बराबर है। अब बड़े किसान के लिए, बड़े किसान कितने हैं, 25 एकड़ से ऊपर वाले किसान हैं मध्य प्रदेश में कुल 63,000, लेकिन सबसे ज्यादा लाभ इन्हीं को मिलता है।
देखो एक 10 हॉर्स पावर की मोटर किसान से लेते 7,500, वो बिल आता है 1,11,307 रुपये, तो बाकी का मैं भरता हूँ कृषि मंत्री के नाते किसानों की ओर से। 5 हॉर्स पावर की बिजली का बिल भरते हम 3,500, बिल आता 54,000, बाकी का बिल 50,500 हम भरते। ऐसे 18,000 करोड़ रुपया हर साल बिजली का किसानों की तरफ से बिल भरते हैं। खाद की बोरी मोदी जी ने बताया 266 रुपये 50 पैसे में देते हैं किसान को, वो आती है विदेश में 2600 की, विदेश से 4000 की। डीएपी की बोरी 1900 की थी, तब 1200 में देते थे, जब 1900 की थी, अब 3900 की हो गई तो 1350 में देते हैं, 2600 की सब्सिडी एक बोरी पर। अब ये बड़े बड़े किसान हैं हमारे जैसे, कितने कितने लेते हैं, 200 बोरी यूरिया, 100 बोरी डीएपी, तो लाखों का, और 4-4, 5-5 ट्यूबवेल, तो 10 से 15 लाख सब्सिडी इन बड़े किसानों को मिलती है। तो ये छोटे किसान जो है ज्यादा, इनने क्या बिगाड़ा है। और इसलिए मोदी जी ने कहा कि छोटे किसानों को हम जो 2000 देंगे, इनके लिए जीवन बचाएगा, कर्ज मुक्त करेगा, ब्याज के चंगुल से, साहूकारों के चंगुल से मुक्त होंगे, ये आजाद होंगे। सही मायने में छोटे किसान आर्थिक रूप से आजाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, इसे जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। और अब असली खाद, असली बीज, असली दवाई और बूंद बूंद पानी, अब ड्रिप एरिगेशन करके हम हरदा जिले को 100% सिंचित कर रहे हैं। अभी गंजाल मोरन 3,500 करोड़ की स्वीकृत हो गई, ठेका हो गया, ठेकेदार आ गया, पाइप बनना शुरू हो गए, 14 अगस्त के पहले मुख्यमंत्री जी से भूमि पूजन करा के काम शुरू हो जाएगा। और एक शहीद इलाफ सिंह उद्वहन सिंचाई योजना जो सालियाकेड़ी का आदिवासी युवक शहीद हुआ था उसके नाम से हमने बनाई, उसमें 118 गांव की जमीन सिंचित होगी, 720 करोड़ रुपए की योजना है, उसको भी प्रशासन की स्वीकृति हो चुकी है और उसकी भी भूमि पूजन हम कराएंगे। तो हरदा जिला प्रदेश का पहला जिला बन जाएगा जो 100% सिंचित होगा, मध्य प्रदेश का पहला जिला। और उसके लिए भी आप सब श्रेय के भागीदार हैं, क्योंकि आपने कमल के फूल की बटन दबाई जिसके कारण ये हुआ। ये जितने भी लोकतंत्र में काम हो रहे हैं उसकी ताकत है आपका वोट। आपका वोट सही जगह गिरा, सही जगह डला, तो उसके कारण ये हुआ है। इसलिए आपको बधाई, हम तो निमित्त हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, मुख्यमंत्री शिवराज जी हो, या कृषि मंत्री कमल पटेल हो, जो हम काम कर सके हैं उसलिए कर सके हैं क्योंकि आपने हमको आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया, कमल का फूल खिलाया। और इसलिए हमेशा कमल का फूल खिलाते रहिए और अपना विकास कराते रहिए। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। इसके उपरांत धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं श्री भरत राठी जी को निवेदन करूंगा। हमारे पास हरिओम सन ऑफ दिनेश गुर्जर जी का चेक है। सभी किसान भाइयों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय कृषि मंत्री जी का धन्यवाद, माननीय अमर सिंह मीना जी का धन्यवाद, दर्शन सिंह भैया, भाभी जी, ललित भाई और सभी किसान भाई जो बहुत दूर दूर से पूरे हरदा जिले से पधारे हैं, उनका बहुत हृदय से धन्यवाद कि आपने इतने कम समय में इतने अच्छे कार्यक्रम को सफल बनाया। थोड़ा भोजन व्यवस्था में थोड़ा थोड़ा शिफ्ट में जाएं, क्योंकि एकदम से वहाँ पे वो बढ़ जाएगी। थोड़ा सा मेरा निवेदन है कि एक एक दो शिफ्ट में अपन थोड़ा सा उसको कंट्रोल कर पाएंगे। और आप सभी किसान भाई दूर दूर से आए हैं, और हरदा जिला जो है पहले मूंग के लिए जाना जाता था, अब सिराली क्षेत्र में जो है मिर्ची की खेती हो रही है, और हमारे मिर्ची के उत्पादक किसान भाई भी हमारे साथ में नीरज भाई दिख रहे हैं जिनवानिया से, भैया बंदी मोड़िया से, आमा सेल, चारुआ,